हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते, मैं प्रियांशी सिंगल हापुड़ हलचल के साथ। भारतीय किसान यूनियन के नेता मोहन चौधरी ने बताया कि किसान 1509 वैरायटी की धान गाजियाबाद की गोविंदपुरम स्थित अनाज मंडी लेकर आए थे, जिसका मंडी समिति और आढ़तियों मिलीभगत के कारण 1800 रुपये प्रति क्विंटल के रेट दिया जा रहा है, जबकि इसी वैरायटी के रेट दादरी की मंडी में 1950 रुपये दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि गाजियाबाद की अनाज मंडी में कहीं ना कहीं मंडी समिति और भारतीयों की मिलीभगत के कारण किसानों को चूना लगाया जा रहा है, और यही कारण है कि मंडी के गेट पर लगे बोर्ड पर भी किसी भी अनाज का दाम नहीं लिखा गया है। इसकी जानकारी कुछ किसानों को मिली तो किसानों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मंडी समिति के इस रवैये से नाराज बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए और भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले मंडी के गेट पर किसान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए, और फिलहाल मंडी का ताला लगा दिया गया है। जो किसान यहां धान बेचने आए थे वे वापस ले जा रहे हैं, और भारतीय किसान यूनियन इसका जोरदार तरीके से विरोध करती है। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों का कहना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मंडी का गेट बंद ही रखा जाएगा। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हापुड़ हलचल के साथ।